हेलो दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं करौंदे का अचार और मिर्ची का साथ में। तो देखिए, करौंदे को मैं इस तरह से बढ़िया से धो के बहुत मतलब साफ़ करके ले लिया है बढ़िया से, और इस तरह से मैंने साथ में मिर्ची भी ले ली है। देखिए इस तरह से इन दोनों का बढ़िया से एक अच्छा सा एक अचार बनाएंगे। आपने भी कभी खाया होगा, बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया अचार लगता है इसका। तो देखिए इसको मैं दो टुकड़ों में कट करके ले ले रही हूँ। आप चाहें तो इनके चार भी टुकड़े कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इनको सारे करौंदे को हम अच्छे से काट लेंगे। पहले देखिए इस तरह से मैं करौंदे को, देखिए सारे करौंदे मेरे लगभग कट चुके हैं। तो हम काटेंगे साथ में अपनी हरी मिर्ची को, बीच बीच से चीरे लगा के दो दो टुकड़े करके इनके बीच से चीरे लगाएंगे और उनको भी काट लेंगे। मिर्ची मैंने ज़्यादा नहीं ली है, तीखी वाली थी। आप चाहें तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, ये मेरी बहुत तीखी थी तो मैंने कम ही ली है। देखिए आप भी अपनी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ले लिया है और चलिए इनको हम धूप में सुखाते हैं। मेरे यहाँ है बालकनी में धूप आ जाती तो मैं वहीं पे सुखा लेती हूँ। यहाँ पे धूप है, आप लोगों को इस तरफ से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, नहीं तो आपको दिखती। तो चलिए इनको सुखा लेते हैं घंटे के लिए। चलिए इधर हम अपने अचार का मसाला तैयार करते हैं। एक चम्मच मैंने मेथी ली है, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच सूखा खड़ा धनिया और एक चम्मच सरसों के दाने, काले सरसों के दाने हैं। बढ़िया से इनको तवे पर सेक के ले लेते हैं बढ़िया। तो देखिए इस तरह से हम इनको सेक ले रहे हैं बढ़िया से। ये मेरे बढ़िया से मैंने इनको सेक के एक मिक्सी, देखिए मैंने सेक लिया, ठंडा कर लिया है और हम इसे मिक्सी के जार में बढ़िया से पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ले लिया है बढ़िया। तो ये मैंने पीस के मोटा दरदरा पीस लिया है। अब चलिए इधर मैंने एक घंटे हो चुका है और मेरे ये करौंदे बढ़िया, इनका मॉइस्चर बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया। देखिए हाथों में भी नहीं चिपक रहे हैं। तो इस तरह से हम इनका अचार बनाएंगे। तो मिर्ची भी मेरी बढ़िया से सुखा लिया है मैंने, हल्का सा, ज़्यादा नहीं सुखाना है हमें, नॉर्मली इनका पानी ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसमें डालेंगे अपना रुई कुटा हुआ मसाला और उसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी और एक चम्मच दो चम्मच डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा अचार बनता है। तो देखिए तेल को मैंने गर्म कर लिया, तेल में मैंने हींग डाल दी है, हींग को देखिए उसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो एक से डेढ़ चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और उसको बढ़िया चलाते हुए उसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए बढ़िया से ये अचार इस लाल मिर्ची से कश्मीरी मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा कलर आता है। उसमें डाल देंगे एक से डेढ़ चम्मच जितनी अपने स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने दो से ढाई चम्मच नमक डाल दिया है, आपका जितना अचार हो अपना डालिएगा। देखिए इस तरह से उसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेम्पटिंग ये मेरा अचार बन के तैयार होने वाला है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। तो देखिए इस तरह से हम इसको सर्व कर लेते हैं बढ़िया से। देखिए आप चाहें तो आप इसको कांच के जार में रखिएगा, ये बहुत, ये इसको आप एक से डेढ़ महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।